अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद का कक्ष फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 34 तक डिस्कस किया था, चैप्टर था 7.3 को गालिबन, क्वेश्चन नंबर 2 के फोर पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम न्यू टॉपिक टुडे शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 44 और चैप्टर नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर पार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5th। फोर पार्ट तक सॉल्व किया था, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। 1 + 1/3 की पावर 3। पहला काम हम क्या करेंगे, हम इसको यूं लिखेंगे 1 + 6/3 की पावर 8 मल्टीप्लाइड के सिंपल फॉर्म में। इसको हम ऊपर ले जाए तो इसका पावर बनेगा नेगेटिव 1 + 6 की पावर 3 होल पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल सीरीज 8। ये बनेगा 1 + -1/3 एक्स वर 3 -3 -3 -1 टू पिक्टोरियल एक्स 3 वर वर 3 का स्क्वेयर, फिर -3 -3 -1 -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 पिक्टोरियल एक्स वर 3 का क्यूब प्लस ऑन दिस इज इक्वल टू 8। ये बनेगा 1 x 6 की 3 कैंसिल होता है, प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा एक्स। इसके बाद बनेगा हमारे पास +3 -4, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्स स्क्वेयर वर 9 बनेगा, -3 ये बनेगा -4 -5 3 2 1 एक्स की वर 27 सो ऑन 3 1 3 3 2 1 2 2 4 आएगा, यह आएगा 1 - 6 -(-) तो प्लस बनेगा, ये बनेगा 2 और नीचे रह जाएगा 3 x² रह जाएगा। इसको कैंसिल कर लो, 2 2 4 आएगा, 3 को 3 से कैंसिल कर लो, ये -3 है तो माइनस बनेगा, 5 2 10 आएगा डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा 27 x³ + ऑन। कोई काम हमने नहीं किए हैं, सबसे पहले इनको हमने इस फिगर के फॉर्म में लिखा है, ऊपर ले गया पावर नेगेटिव, बाइनोमियल को अप्लाई किए, जो कैंसिल हो रहे उसको कैंसिल की है, जो मल्टीप्लाइड हो रहे उनको हमने मल्टीप्लाइड किया 7 + 3 x -1/3 यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। क्या बनेंगे हमारे पास 1 + -1/3 3x और ये बनेगा -1/3 1/3 - 1 टू फैक्टोरियल 3 x² का स्क्वेयर प्लस 4 टर्म्स तक करना है। सवाल ये है कि 4 टर्म्स तक पॉइंट कर लें, हम 4 टर्म्स तक पॉइंट कर लेते हैं, -1/3 - 2 3 factorial 3 x³ सो ऑन 3 3 कैंसल 1 - 6 आएगा और ये बनेगा -1/3। इसको सिंपलीफाई करके -4/3 बनता है,
इनका एलसीएम ले करके सॉल्व कर लो, ये माइनस वन बाई थ्री माइनस वन है, रेज एलसीएम माइनस वन माइनस थ्री, तो माइनस फोर ओवर थ्री बनेगा, ये बनेगा माइनस फोर ओवर थ्री टू फैक्टोरियल नाइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, क्या बनेगा मेरे पास, नाइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस वन बाई थ्री, इनका फिर एलसीएम ले लें, ये माइनस फोर अपॉन थ्री, ये माइनस सेवन अपॉन थ्री बने सिक्स, बिल्कुल ये बनेगा, और ये थ्री टू मल्टीप्लाइड बाय वन, ये बनेगा ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब, सो हॉन सिंप्लीफाई कर लेते, वन माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, ये बनेगा हमारे पास फोर डिवाइडेड बाय थ्री, और ये टू फ्लैड बाय वन, ये आएगा नाइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, नाइन वन सा नाइन थ्री सा थ्री थ्री सा नाइन बनेगा, तीन माइनस है तो माइनस बनेगा, ये बनेगा फोर ट्वेंटी एट, क्योंकि फोर वन सा फोर, फोर सेवन सा ट्वेंटी एट, ये बनेगा थ्री 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 ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस सो हॉन, ये बनेगा हमारे पास वन माइनस सिक्स, फोर थ्री जा ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू ऑफ एक्स स्क्वेयर, और ये कैंसल होगा, ये बनेगा हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 6 एक्स क्यूब प्लस सो हॉन, टू वन जा टू सिक्स जा, मुझ से एक मिस्टेक हुआ है, ये नाइन आएगा, क्या बनेगा मेरे पास, नाइन, तो नाइन नाइन के साथ मुकम्मल कैंसिल होगा, क्या रह जाएंगे हमारे पास, नाइन नाइन कैंसिल होगा, ये बनता है फोर ओवर टू, ये टू टू जो फोर आएगा, इसको कैंसिल कर ले, टू पे पहले कैंसिल कर, टू थ्री सा टू फोर्टीन सा वन माइनस एक्स, टू ऑफ एक्स स्क्वेयर फोर्टीन ओवर थ्री एक्स क्यूब प्लस सो हॉन, इट इज आंसर। अच्छा, कोई काम नहीं किए हमने, सिंपल बायनोमियल अप्लाई किया, जो कैंसिल हो रहे उसको कैंसिल किया, और जो मल्टीप्लाइड हो रहे उसको मल्टीप्लाइड किए हैं, बहुत सिंपल काम है, एक जैसे काम है। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री पे, चैप्टर नंबर सेवन, सेवन पॉइंट थ्री लास्ट क्वेश्चन, कोरोना के सिलेबस के मुताबिक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री ये है, If x is so small, if x is so small that its square and height, its square and height powers may be neglected, then show that first part 5 plus 6 2 minus x squared a premixal equal to 5 upon 2 7 upon 4 of x. सवाल ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर x वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज हो, सो स्मॉल हो, जिनका स्क्वेयर और आयर पावर निग्लेक्ट किया जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर 5 प्लस 6 1 माइनस 6 प्लस 6 स्क्वेयर इज
apremixate equal to pi upon 2 7 upon 4 x. जाहिर बात है अगर x सो स्मॉल हो जाएगा, अगर आप स्मॉल का स्क्वेयर लेते हो मजीद छोटा होता है, क्यूब लेते हो उससे छोटा होता है, फोर होते हैं उससे छोटा होता है, सोहन अमूमन उसके पावर को फिर हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो प्रीमिक्सल इक्वल टू जीरो पे चले जाते हैं। हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 5 + 6 है, 2 - 6 + 6 स्क्वेयर है। इट ऑल्सो बी रिटर्न इज, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस फाइव पॉजिटिव को पहले लिख लो और नेगेटिव को बाद में लिख लो। इसके बाद ये बनेगा 5 + x और ये बनेगा 2 + 2 + x² इसको ऊपर ले आते हैं तो इसका पावर बनेगा नेगेटिव 2 + x² - x⁻¹। मेरे ख्याल में ये दो क्वेश्चन स्मॉल सिलेबस में मौजूद होते हैं, मैं देखता हूँ इसके बाकी शायद वो सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, ये दो क्वेश्चन मौजूद हैं। फिर में से हम क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन निकालो 5 + 6। हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 5 upon 5 + 6। इनके पावर को अलग कर लो इस 2 के दोनों के, आप क्योंकि सीरीज में हमने इनको 1 लाना है तो ये 1 x² - 6 / 2 होल पावर -1। ये 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा 1 upon 2 5 + x बनेगा, इधर आएगा 1 + x² - x डिवाइडेड बाय 2 की पावर -1 यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 1 upon 2 5 + 6 1 + -1 x² - 6 + 2 फिर आएगा -1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² - 6 इनका स्क्वेयर प्लस सो ऑन। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट वी नेग्लेक्ट हायर पावर, यानी x² के पावर को हम निग्लेक्ट करते हैं, 1 upon 2 5 + 6 1 - x² - 6 डिवाइडेड बाय 2। अब ये तमाम बाकी पावर चूंकि हमारे पास x4 आएगा और x² आएगा, उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहां पे x² को भी निग्लेक्ट करेंगे, हम इसको दोनों के अपान में अलग अलग लिखते हैं, 1 upon 2 5 + 6 1 - x² + 6 अमूमन इस 2 किसके अपान में अलग, 2 किसके अपान में अलग लिखा है, एक बार जहन में रख ले, 2 इसके अपान में अलग, इसके अपान में अलग, 2 इन सिंपल को तो माइनस माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा, फिर x² वाला को निग्लेक्ट कर लो, 5 + 6 1 + x / 2 आएगा, इनको फिर हम मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, 1 upon 2 5 1 = 5 या 5 upon 2 of x 5 upon 2 of x और ये बनेगा x, ये बनेगा x² / 2 फिर x² को निग्लेक्ट कर लो,
5 प्लस 5 अपॉन 2 ऑफ एक्स आएगा प्लस 6 आएगा हमारे पास, क्योंकि इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं वो एक्स। इन दोनों का एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा 2, 5 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 और 2 बनेगा 1 अपॉन 2, 5 प्लस 8 कर ले 7 एक्स आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ले 5 अपॉन 2 आएगा, इट इज अ प्रीमिक्सल इक्वल टू 5 अपॉन 2 और 7 अपॉन 4 ऑफ एक्स। यही हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड। कोई काम हमने नहीं किया, सबसे पहले हमने कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड लेने के बाद फिर हमने क्या किया, इसको ऊपर ले लिया तो इसका पावर नेगेटिव बना और इन चीज को हमने 2 पे मल्टीप्लाइड और डिवाइड, दोनों के पावर अलग अलग भी किए और एलसीएम भी हमने ब्रेक किए जो कि यह है, इसमें बाइनोमियल अप्लाई किए। बाइनोमियल में जब हमने अप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर और एक्स जो बड़े पावर है वो तमाम निगलेक्ट होकर के ये पावर सिर्फ यहां तक रह जाएगा। फिर हमने माइनस को भी मल्टीप्लाई करके 2 को अलग अलग लिखे, इसको फिर निगलेक्ट किया क्योंकि स्क्वायर है तो यह है, इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाइड किया, इसको फिर निगलेक्ट किया एक स्क्वायर है, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया और इसको ऐड किया 2 1 अपॉन 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाइड किया, विच इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 4 एक्स अप्रीमिक्सेट इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन 8 ऑफ एक्स। सबसे पहले काम कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, यू है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं x by 2 of 4, रेडिकल को हम लिखते हैं 1 upon 2 using binomial series 1 plus 1 upon 2 x over 4 1 upon 2 minus 1 2 pictorial x over 4 का स्क्वायर। अगर एक नेक्स्ट टाइम यूज करते हो लेकिन x यहां तक भी ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से 1 upon 2 minus 1 1 upon 2 minus 2 डिवाइड बाई 3 pictorial x over 4 का क्यूब प्लस सो हॉन, दिस इज इक्वल टू 1 plus 1 upon 8 of x। बाकी तमाम टर्म्स नेग्लेक्ट करते हैं और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। बहुत आसान है, दो स्टेप में हुआ, बाइनोमियल अप्लाई किए एक्स स्क्वायर तक टर्म्स ले लिया, बाकी ऑल इज नेग्लेक्टेड, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल सीरीज। थर्ड पार्ट इसी पे आते हैं, 4 1 plus 8 of x अप्रीमिक्सेट इक्वल टू 1 plus 2 of x। बहुत आसान है ये, फिर उसी तरह इसमें जनरल दो टर्म्स तक हम यूज करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसको हम यू लिखेंगे, रेडिकल 4 है तो 1 upon 4 लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज 1 plus 1 upon 4 8 of x 1 upon 4 1 upon 4 minus 1 2 pictorial 8 of x square plus so on। चूंकि यहां पर स्क्वेयर है, एक स्क्वेयर वाले निगलेक्ट कर ले, दिस इज अ प्रीमिक्सल इक्वल टू, इनको से कैंसिल कर लो, 1 plus 2 of x आएगा, बाकी तमाम टर्म हम कैंसिल करेंगे, यही हमारे पास राइट हैंड साइड। मेरे ख्याल में इशू नहीं है क्योंकि नेक्स्ट में एक स्क्वेयर एक्स क्यूब तमाम टर्म वो कैंसिल होगा, सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म बच जाएगा। इसके बाद 4 फोर्ट,
4 part हमारे पास ये 1 plus 2 of x, 1 minus 4 of x is approximately equal to 1 plus 3 of x. पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. कर लो कंसीडर. ऊपर कर डिकल अलग कर लेते हैं, नीचे कर डिकल अलग कर लेते हैं. ये ऊपर कर डिकल हमने अलग कर दिए और नीचे कर डिकल हमने अलग कर दिए. दोनों के डिकल हमने अलग अलग किए हैं. दिस इज इक्वल टू 1 plus 2 of x, 1 upon 2. 1 minus 4 of x, minus 1 upon 2. इसको ऊपर ले जाते तो इसका पावर बनेगा नेगेटिव. ये मैंने इसको हम यू भी लिखेंगे 1 प्लस 2 ऑफ, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज हो फार्मूला हो उसके बीच में हम प्लस यूज करते थे, इसलिए इसको इस अंदाज में लिखते हैं. यूजिंग दोनों पे हम क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन 2 2 एक्स, 1 upon 2 minus 1 divided by 2 factorial 2x square. बाकी टर्म ले ले या न ले ले वो ऑलरेडी हम निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि x square है. दायात के मुताबिक x टर्म तक ले सकते हो, x square या इससे बड़े पावर जो होते हैं वो हम निग्लेक्ट करते हैं. Similarly 1 plus माइनस वन अपॉन टू, फोर ऑफ एक्स, फिर माइनस वन बाय टू, वन बाय टू माइनस वन, टू पिक्टोरियल माइनस फोर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस सोहन. टू टू कैंसल होता है, क्या रह जाएगा वन प्लस एक्स, क्या रह जाएगा वन प्लस, बाकी ऑल पावर नेग्लेक्टेड, क्योंकि हमें पता है कि एक स्क्वेयर हिदायत के मुताबिक एक स्क्वेयर और इसे बड़े वाले पावर हम क्या करेंगे, हम निग्लेक्ट करते हैं. और ये बनेगा हमारे पास टू टू जो फोर आएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, ये बनेगा टू ऑफ एक्स, क्या बनेगा हमारे पास, माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनता है, सॉरी प्लस नहीं है, ये ऊपर जाकर के तो साहब मल्टीप्लाइड होगा, ये प्लस नहीं है, ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है, मल्टीप्लाइड होगा ये आएगा हमारे पास, क्योंकि बाकी तमाम पॉइंट टर्म्स कैंसिल होगा. वन वन सा वन ये आएगा हमारे पास, वन टू जो टू एक्स, ये एक्स आएगा और ये टू एक्स स्क्वेयर आएगा, फिर एक स्क्वेयर को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, यह आएगा थ्री ऑफ एक्स, यही हमारे पास राइट हैंड साइड. मुझसे एक मिस्टेक हुआ था, वो मिस्टेक माइनस बीच में नहीं, क्योंकि ऊपर जाकर के उनके साथ मल्टीप्लाइड होगा, कोई काम हमने नहीं किए, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया. जब लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर किए, ऊपर का पावर अलग किए, नीचे का पावर हमने अलग किए, दोनों के पावर हमने अलग अलग दिए हैं. वो ऊपर को भी हमने 1 अपॉन 2 लिए, नीचे को भी 1 अपॉन 2 लिए, ऊपर जाकर इसका पावर नेगेटिव बनेगा. इन फॉर्म ऑफ बाइनोमियल सीरीज लिखा है, अप्लाइंग बाइनोमियल सीरीज, हायर जो कैंसिल और इसको कैंसिल किया, हायर पावर दोनों में निगलेक्ट किए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड किया, एक्स स्क्वेयर फिर निगलेक्ट किए, दोनों को ऐड किया, व्हिच इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. सो दिस इज कॉल्ड binomial series in which x square and higher power is neglected. मैं उस पे आता हूँ, सिलेबस पे आता हूँ, क्योंकि कोई और क्वेश्चन मौजूद है या नहीं.
दो क्वेश्चन मौजूद थे, टू और थ्री दोनों हमने किए। इसके बाद हम न्यू चैप्टर पे आएंगे जिसका नाम है फंक्शन एंड ग्राफ्स। फंक्शन वर्ड्स मींस रिलेशन। 44 तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसके बाद अगर हम गालिबन हम जो शुरू करेंगे हमारे लेक्चर का नाम, हमारे चैप्टर का नाम होगा फंक्शन एंड रिलेशन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है, दो सीटों के दरमियान को रिलेशन, दो सीटों के दरमियान में रिलेशन को हम नाम देते फंक्शन। फंक्शन दरअसल बाइनरी रिलेशनशिप से बनता है, जो दो सीटों के दरमियान में बाइनरी रिलेशनशिप हो। फॉर एग्जांपल दो ऑफिस है, दो घर से केवल एक साथ वाला घर है। सपोज कि किसी भी का रिश्ता उस घर में या उनका रिश्ता इस घर में, हम कह सकते हैं दो ऑफिस के दरमियान में एक बाइनरी रिलेशन है। इस बाइनरी रिलेशन को हम नाम देते फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। न्यू डे न्यू चैप्टर। ओके।